मुस्कुराइए, आप बाली में हैं। जी किदा की गल है, वापस आ गए आप। नई सीरीज है बाली में। यूएसए की ट्रिप सीरीज आपने देख ली होगी। मैंने अभी रियलाइज किया एक बड़ी बेवकूफी, आई फॉरगॉट माय मेमोरी कार्ड फ्रॉम द कैमरा। अब देखता हूँ अगर एयरपोर्ट पे अच्छा मेमोरी कार्ड मिलता है। सो बाली मैं जा रहा हूँ वाया थाईलैंड। बाली के लिए कोई आरटीपीसीआर नहीं चाहिए। अब यू जस्ट नीड योर COVID-19 सर्टिफिकेट। अगर नहीं है फिर आरटीपीसीआर आपको चाहिए नेगेटिव। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू द ड्रोन शॉट्स। बैंकॉक आ गया स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। तो यहाँ पे मैं मेमोरी कार्ड लेने आया हूँ। एक बड़ी बेवकूफ़ी, आई फॉरगॉट माय मेमोरी कार्ड फ्रॉम द कैमरा। 128 GB करीब करीब 4,000 का मिल रहा है, तो लेते हैं। यू माइट हैव टू इंसर्ट, नॉट टैप। वन थिंग, अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हो, इफ यू आर आस्क्ड टू पे इन द लोकल करेंसी और इंडियन करेंसी 99.9% ऑफ द टाइम, इफ योर कार्ड्स आर गुड, अगर आपके पास अच्छे बैंक के कार्ड्स हैं, आप हमेशा लोकल करेंसी में पे करिए, क्योंकि आपका बैंक आपकी कन्वर्जन करेगा। अगर आप यहाँ इंडियन रुपीज़ में पे करेंगे तो इनका बैंक कन्वर्जन करता है। तो ऑलवेज विद योर क्रेडिट कार्ड, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर बैंक्स टू गिव यू ग्रेट कन्वर्जन रेट्स व्हेन ट्रैवलिंग। तो मैं लाउंज में जा रहा हूँ यहाँ पे। आई हैव अ लेओवर ऑफ 3-4 hours। वापस ट्रांसफ़र थी क्योंकि मेरी, तो बस एक सिक्योरिटी चेक हुआ, दैट्स इट, और मैं डायरेक्टली इनसाइड द एयरपोर्ट हूँ। सो चलो चलते हैं लाउंज में यहाँ के। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था और इस वाली वीडियो में भी बता रहा हूँ, अगर आपको सीट्स की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में जानना है तो आप seatsgutu.com नाम की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी एयरलाइन चूज़ करिए, कौन सी फ्लाइट है वो चूज़ करिए, वो आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता देती है कि सीट्स कैसे हैं। कई बार जैसे मैं अभी इमरजेंसी एग्जिट रो में बैठा हूँ, कभी आगे 2 सीट्स होती हैं, कभी 3 सीट्स होती हैं, किसका कितना लेग रूम है, प्लेन की कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सीट बुक करने से पहले, सेलेक्ट करने से पहले आप ये सब चेक कर सकते हैं। बाली एयरपोर्ट में पहुंच गया हूँ। मैंने वीज़ा ऑन अराइवल लिया है। फ्लाइट से उतरते ही सबसे पहला स्टेप होता है, लाइन लगी होती है, दे आस्क यू फॉर योर वैक्सीन सर्टिफिकेट एंड दे आस्क यू फॉर योर पासपोर्ट। आप वहाँ उस चेक से निकलते हैं तो आप वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको उस करेंसी में पे करना होता है। मैं आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा एग्जैक्ट किस करेंसी में कितना कितना है। तो आप कार्ड से भी पे कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो ट्राई टू हैव द एग्जैक्ट कैश। अगर आप इंडोनेशियन रुपया में नहीं पे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल USD में 35 है, तो आप कोशिश करिए कि आप USD फिर 35 ही दीजिए। अगर आप 100 देंगे तो एक्सचेंज रेट पता नहीं क्या तौबा तौबा हो जाएगा। तो वहाँ से वीज़ा ऑन अराइवल लेके इमिग्रेशंस में आते हैं। इमिग्रेशंस में बहुत लंबी लाइन थी एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और एक इमिग्रेशन डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है जो कि आप ऑनलाइन भी भर सकते हो या आपको फ़्लाइट में मिल जाता है। तो अभी इन्होंने कहा कि मेरे को किसी ने कहा कि नहीं ज़रूरत, बट मैं यहाँ देख रहा हूँ दे आर सेइंग दैट इट इज़ रिक्वायर्ड। तो देखते हैं। मेरा टोटल ओवरऑल प्रोसेस अगर आप देखो तो 1.25 घंटे का लग गया, जिसमें से मेरा 80% ऑफ द टाइम इमिग्रेशन में गया। बाकी वीज़ा ऑन अराइवल और वो पासपोर्ट और वो चेक बहुत ही क्विक था। अब मैं होटल जा रहा हूँ, इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर करके बाहर आ गए हैं। मीट माई फ्रेंड निपुन। निपुन वेलकम टू बाली। सो दिस इज माई फ्रेंड हु हैज़ कम टू पिक मी अप। व्हाट्स योर नेम? Pooja, how do you feel? This is your first international trip? Yeah. Pooja, show my name that you are picking. He has my name, Ishan. Are you liking the weather here now? Yeah. It's nice. Maybe a bit humid.
Yeah, it would be hot. It would be hot. True. Are we going in two separate cars? Yes. Okay, or different cars. Let's go. Baby, let me love you. Weather seems okay today. Not that hot. Not so dark, yeah. Yeah. Is it raining often? Sometimes, yeah. Okay, that's fine. मुस्कुराइए, आप बाली में हैं. अब मैं और निपुण बाकी लोगों से मिलेंगे. पूजा अब मेरे को बता रहा है कि मेरे फ्रेंड्स जो कि 4-5 दिन पहले आ चुके हैं, माउंट बाटूर घूम रहे थे, वाटरफॉल्स घूम रहे थे, बहुत फन किया उसने. कोई बात नहीं, मेरे पास और एक्सटेंडेड हफ्ता है. मैं जो भी उनकी मिस्टेक थी उनको कवर अप करके आई डू बेटर. बड़ा कंपेटिटिव आदमी हूँ मैं, कोई चक्कर नहीं है इस मामले में. भाई बेंगलोर बना हुआ ये तो. My friends were telling me you introduced them to hot girls. Oh yeah. मतलब छोटी छोटी गलियां, हर जगह कैफेज, ट्रैफिक. पूजा भाई, why are you not introducing me? Just joking because many time here. Good spa, good massage. So अब्बा पूजा प्रात नू पूछते पाए सी के कितना को दूर है होटल. So अपडेट देता हूँ मैं. सबसे पहले चांगू जा रहा हूँ. हम सब ने मेरी पूरी टीम ने डिसाइड किया था चांगू जाएंगे. सबसे बड़ी डिजिटल हब कम्युनिटी चांगू है. आई एम सुपर एक्साइटेड. हमें निकले हुए 1.5 घंटा हो गया. वैसे 45 मिनट्स का रास्ता है बट वीकेंड है. ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है और अभी 40 मिनट और दिखा रहे हैं. काफ़ी मशक्क़त करने के बाद अपने रूम में आ गया हूँ मैं. बाहर थोड़ा चलते हैं, सबसे मिलते हैं. This is super crazy. I have just reached and you are talking about plus massage. Plus size. You guys are crazy. So what should we order? What's the best thing? We have chicken basket, like a big portion for the dinner, for 3 person. I just sit down and these guys are asking, talking about plus massage. There is nothing called plus massage, nothing. These guys are stupid. One of them married and one of them has a girlfriend who's gonna get married, right? And my vlog is gonna go out, right? So just beware. I'll tag you personally whoever the girlfriend is. I don't know as of now. I just checked my credit card statement. We had a cheeseburger, fries. I had a huge coconut water. Jiske andar minimum 600-700 ml पानी होगा. माई अदर टू फ्रेंड्स गॉट अ स्मूदी और हमारा टोटल बिल 680 रुपये आया है. इट वॉज अमेजिंग प्लेस. मतलब ऑम्बियंस वगैरह सारा ऊपर जहाँ बैठे थे. बाली सुपर चीप. दैट्स वाई आई कीप गिविंग यू द प्राइजेस अलॉन्ग द वे सो दैट यू कैन फॉलो. तो आफ्टर क्लिंकिंग बीच हम लोग आए ब्रोकन बीच एंजल बिलाबोंग पे और यहाँ पे मैंने फाइनली अपना ड्रोन का उद्घाटन किया इस सीरीज का.